नमस्कार, आज हम इस प्रस्तुतिकरण में सामुद्रिक ऊर्जा के बारे में देखने वाले हैं। क्यों हमें इस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता है और हम कैसे इस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। जिन जिन विषयों पर आज हम विचार करने वाले हैं वह है नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है, हमें इन ऊर्जाओं की जरूरत क्या है, फिर देखेंगे विभिन्न प्रकार के नवीकरणीय स्रोत और समुद्री ऊर्जा के प्रकार, उसके बाद देखेंगे कि सामुद्रिक ऊर्जा की आवश्यकता क्या है और अंत में देखेंगे कि भारत में सामुद्रिक ऊर्जा की स्थिति क्या है। पहले हम देखेंगे कि हमें नवीकरणीय ऊर्जा की क्या आवश्यकता है, इन ऊर्जाओं से हमें कैसे फायदा हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 7.8 बिलियन है। इनमें से 1.3 बिलियन लोग बिजली के उपयोग के बिना रहते हैं। केवल भारत में 360 मिलियन लोग बिजली के बिना गुजारा करते हैं। बिजली उत्पादन का पारंपरिक रूप जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करता है। इस तरह के उत्पादन में जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है। यह ही वायु प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। वायु प्रदूषण का यह रूप वायुमंडल में CO2 गैसों के उत्सर्जन के कारण है। यदि हम भारत पर विचार करें तो हम देख सकते हैं कि भारत 75% तेल आयात करता है और देखा जाए तो भारत की ऊर्जा खपत चीन, अमेरिका और रूस के बाद चौथी सबसे बड़ी है। इस कारण हमें बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग को पूरा करने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, वायु ऊर्जा, पनबिजली ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा। सौर ऊर्जा एवं सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, ये एक ऐसा ऊर्जा है जो सूर्य की किरणों द्वारा प्राप्त किया जाता है। हम जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है। इस ऊर्जा का सदुपयोग किया जा सकता है। बायोगैस ऊर्जा एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। यह ऊर्जा पशु और पौधों की सामग्री से उत्पन्न होता है। बायोगैस वह मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होता है। इस परियोजना को बिजली के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। वायु ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा बहती वायु से उत्पन्न किया जा सकता है। इस ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए हवादार जगह पर पवन चक्कियों एवं टर्बाइन्स को लगाया जाता है, जिसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। पनबिजली ऊर्जा एवं जल विद्युत ऊर्जा गिरते हुए या बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा से बिजली का उत्पन्न किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल एनर्जी पृथ्वी के संग्रहित ताप से निकाला जाता है। समुद्र ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा है जो समुद्र की लहरों, ज्वार, लवणता आदि से ली गई ऊर्जा होती है। सामुद्रिक ऊर्जा के प्रकार तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सामुद्री तापीय ऊर्जा, लवणता डाल ऊर्जा, समुद्र उत्पन्न पवन, सौर एवं बायोमास ऊर्जा। तरंग ऊर्जा वो ऊर्जा है जो लहरों से उत्पन्न होती है। ये लहरें पवन से बनती है। जब पवन की झोंके समुद्र के ऊपर बहती है तो पवन तरंगे बनती है। इन तरंगों के ऊपर और नीचे जाने की गति को किसी प्रकार के कार्य करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस कार्य को अंत में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इस कार्य के लिए तरंग ऊर्जा परिवर्तक यानी वेव एनर्जी कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। ज्वारीय शक्ति या ज्वारीय ऊर्जा जल विद्युत का एक रूप है जो ज्वार से प्राप्त ऊर्जा को मुख्य रूप में बिजली के उपयोगी रूप में परिवर्तित करते हैं। समुद्र में आने वाले ज्वार भाटा की ऊर्जा को
उपयुक्त टर्बाइन लगाकर विद्युत शक्ति में बदल दिया जाता है। अगला हम देखेंगे समुद्री तापीय ऊर्जा। इस तकनीक में अंतर्गत समुद्र की सतह के गर्म जल की ऊष्मा का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न किया जाता है। जब गर्म जल का प्रवाह ओटेक गैस चैम्बर में होता है, तब गैस द्वारा समुद्री जल की ऊष्मा का अवशोषण किए जाने के कारण गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। इस गतिज ऊर्जा के कारण टरबाइन चलती है, जिससे विद्युत शक्ति प्राप्त होती है। अगला हम देखेंगे लवणता ढाल ऊर्जा। समुद्री जल और नदी के पानी के अंतर जो लवणता ढाल होती है, उससे ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है। इस ऊर्जा के मदद से विद्युत ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि हमें सामुद्रिक ऊर्जा का उपयोग करने की आवश्यकता क्या है। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और समुद्र सबसे बड़ा सौर कलेक्टर है। अगर हम इस समुद्र के ऊर्जा को ठीक से उपयोग कर पाते तो दुनिया की बहुत बड़ी ऊर्जा की मांग को पूरी कर सकते हैं। अगर हम भारत में देखें तो पूरे देश की ऊर्जा की मांग को समुद्र की ऊर्जा से पूरी कर सकते हैं। अंत में अब हम भारत में किए गए समुद्री ऊर्जा परियोजना की एक झलक देखेंगे। भारत ने केरल में अपनी तरंग ऊर्जा प्लांट का परीक्षण किया था। यह एक 150 किलोवाट का तरंग ऊर्जा परिवर्तक यानी वेव एनर्जी कन्वर्टर था, जो केरल के विरिंगम में स्थापित किया गया था। धन्यवाद।